आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का हलवा। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कप बेसन और हमने 2 टेबल स्पून घी। मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। कढ़ाई गर्म करने के बाद मैंने घी को डाल दिया है। घी कड़क गई उसके बाद हम इसको बेसन को धीमी आंच पे भून रहे हैं। भूनने में दोस्तों इसे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे क्योंकि मुझे इसे लाल करके भूनना है। तो धीरे 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 हम इसे भूनते रहेंगे और जब तक मैं ये भूनता है तब तक हम इसके लिए चीनी तैयार कर लेंगे। तो जितना हमने बेसन दिया है चीनी भी हमें उतनी ही लेनी है। और अगर आप चीनी कम खाते हैं तो आप इसका आधा भी दे सकते हैं, बट हम जैसे ज़्यादा मतलब स्वाद जो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए जितना बेसन होता है ना उतना ही इसमें चीनी भी ऐड करना होता है। तो ये हम धीरे धीरे भूज कर, इसमें ध्यान रखने की चीज़ है कि हम इसको अच्छे से फ्राई जब होता है, अच्छे से ये लाल होके जब भूना जाता है ना तभी इसमें स्वाद आता है बेसन के हलवे में। तो आज मंगलवार भी है चूँकि हम लोग व्रत करते हैं तो इसमें नमक नहीं खाते हैं और अब भूख भी लग रही है तो हमने सोचा कि बेसन का हलवा बनाया जाए चीनी का। तो इसके लिए हमने 2 टेबल स्पून घी डाले हैं और इसको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। अब इसे अच्छे से फ्राई होने वाला है, जब फ्राई हो जाता है तो इसमें हम चीनी डालेंगे। तो इसे धीरे धीरे दोस्तों ये 10 मिनट तक धीरे धीरे से इसे फ्राई करें। इसमें आप स्वाद के लिए 2 छोटी इलायची भी डाल सकते हैं जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो जब आपका ये भून रहा है तब तक आप 2 इलायची का पाउडर बना लें और इसमें मिक्स कर दें तो इसका स्वाद बहुत ही परफेक्ट बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, अपने फ्लेवर के लिए बहुत ही अच्छा बनेगा। हमने इसके लिए 1 कप चीनी लिया है और अब इस ये लाल हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। अब इसमें चीनी ऐड कर दिया है और ये अच्छे से लाल हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी और हमने ये 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब इसका हलवा तैयार हो जाएगा, बेसन का हलवा। तो इस तरह से हम बेसन का हलवा बना लिए हैं। इसे अच्छे से मिलाएंगे और ये बेसन का हलवा हमारा तैयार हो जाएगा। ये हमारा बेसन का हलवा अब तैयार।